किधर भाग रहे हो? हैं पिज्जा खा रहे हो भाई? पिज्जा खा रही है? बटर चिकन, बटर चिकन। खाना ऐसा होना चाहिए कि बंदे को ना याद रहे, यार उसकी शादी में उसके फंक्शन में खाना खाया था, मजा आ गया। आए हाय, पनीर लबाबदार। ये स्पेशल आइटम लगवाया, साग मीट बढ़िया सा दिखाओ। हाँ ये वेज है, वेज मुंह कर लिया। चल चल दिखा दिखा, हमारा शहजादा। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। हाँ जी हेलो भाई, लोहड़ी तो चल रही है लेकिन अब पूरी पेट भर जाओगे। चलते सीधा अंदर ग्राइंड पिज्जा के अंदर, दिखाते हैं कि आज खाने में क्या था। आओ ये तो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। शादी वाला वीडियो में देखा था उसने। आओ ना डांस करो। पवित की है पहली लोहड़ी, ठीक है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रैंड इंपीरिया, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट भी यहीं पर हुई थी, राइट? बिल्कुल। और अब पवित की लोहड़ी भी यहीं पर हो रही है। कैप सीधी कर दो जरा प्लीज। ओ हमारा शहजादा। तो भाई जरा मेन्यू भी देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ। ये है भाई कीमा कलेजी है भाई, फिश है। एक भाई नॉनवेज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं है खाना, जरूर खाना। और एक साबुत फिश आए, और एक गलौटी कबाब भाई, जरा गलौटी कबाब एक देना, गलौटी कबाब भी है भाई फर्स्ट क्लास। और ऐसा नहीं है कि नॉनवेज है, मेरी प्रेफरेंस नॉनवेज थी कि नॉनवेज तो एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी खाना है पवित? नहीं। ओहो लाइव शवरमा, बच्चे खा चुके आधा। पाव भाजी है भाई, टिक्की है, गोलगप्पे हैं, सब कुछ है भाई। चीज़ होनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें हैं इसके। हाँ यहाँ पवित खाएगा। हाँ यहाँ पवित खाएगा, बढ़िया सर। एक काम करते हैं अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको मेन कोर्स में क्या है, क्योंकि मेन चीज तो भाई मेन कोर्स होती है भाई, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये हमारे साठी गड्डी, हेलो किधर भाग रहे हो? हैं पिज्जा खा रहे हो भाई? पिज्जा खा रही है, वाह भाई वाह। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। भाई आओ भाई आओ, जरा पहले फूड देख ले जरा पहले। आ जाओ आ जाओ, नॉनवेज जरूरी है। और ये क्या है? ओ माय गॉड, बटर चिकन। पवित इधर देख, पवित दिखा, पवित देख रिएक्शन देख। बटर चिकन। और ये है भाई हमारा चिकन गुरदासपुरी। मतलब क्या वैरायटी होती है ना जब नॉनवेज के अंदर, ना कि सिर्फ बटर चिकन और चिकन करी, तो और खाने में मज़ा आता है भाई, गेस्ट को भी मज़ा आता है। शादी का खाना हो चाहे अपने कोई भी फंक्शन का खाना हो, खाना ऐसा होना चाहिए कि बंदे को ना याद रहे, यार उसकी शादी में या उसके फंक्शन में खाना खाया था, मज़ा आ गया। तो ऐसा होना चाहिए भाई, मटन रारा है, साग मीठा भाई, सर्दियों में भाई स्पेशल है ये। देखो भाई आइटम हमारा, ये स्पेशल आइटम लगवाया साग मीट, बढ़िया सा। अब ये थोड़ा सा वेज फूड शुरू हो गया, दाल मखनी है, पनीर टिक्का मसाला है। हाँ जी मैडम वेज भी है। हाँ जी हेलो, इधर दिखा दो वेज भी है मैडम, मैडम दिखाएगी वेज। हाँ जी वेज भी है जी, वेज में है पनीर टिक्का मसाला। अच्छा ये लो, ये लो, लो दिखाओ जी, बात दिखाओ। हाँ ये वेज है ना, वेज मुंह कर लिया। चल चल दिखा दिखा, पनीर टिक्का मसाला। आए हाय पनीर लबाबदार, पनीर लबाबदार है, मुंह में ना लब लब पानी आ रहा है, लब लब कर रहा है, पर ये भी लब लब कर रहा है। आगे सर क्या ही होगा, तो हम बच्चे की प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या खाना है? अच्छा अच्छा वेज या नॉन वेज? ये है जी मिक्स वेजिटेबल। पवित यू लाइक इट? नो नो मम्मी नो। ऐसे कैसे नो,
जबरदस्ती मत करो उसके साथ। हाँ वेज नहीं खाएगा वो, वेज नहीं खाएगा। मटर पुलाव, मेथी आलू, कड़ी पकोड़ा। हेलो कड़ी पकोड़ा, छोले, अमृतसरी छोले। ओ भाई सर्दियों की जान। हेलो इधर इधर इधर, साग, साग मक्की की रोटी के साथ, ये गुड़ है साथ में, वाइट बटर है, लच्छा पराठा है, मक्की रोटी है, लच्छा पराठा है, सब कुछ है। और ये येलो दाल तड़का, जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं जो बाहर का खाना नहीं खा पाते हैं हैवी, उनके लिए फुलके और दाल तड़का सिंपल वाली। अभी ये नहीं खाना, नॉन वेज वाला हमारा ठीक है, मुँह उधर कर लिया। ओह ये क्या है, मैश पोटैटो बेक वेजिटेबल्स। भाई ये तो हमारे वे हेल्दी है, नहीं खाएंगे हम। पास्ता, लाइव पास्ता। ओ मामी जी आ गई हमारी। हेलो ये हमारी मामी जी है। तो इसकी क्या लगे मेरा दादी, दादी दादी लगी इसकी। वाह भाई वाह। और भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वो कह रहा दीदी मैंने, मैं केक लेकर आया हूँ, केक काट के जाना है। हुआ कह रहा केक लेकर आया हूँ, केक काट के जाना है। चाइनीज खा लेंगे, चलो नूडल्स है, मंचूरियन है। ओ ये पवित को बता रहे हो? हाँ ये डिसाइड कर रहा है वेज बनेगा नॉन वेज। ये वेजिटेरियन बनेगा ना? नहीं नहीं नॉन वेज, नॉन वेज। देखो वैसे इसका नाम पवित है, इसको वैसे भी पवित, पवनीत। ओह दैट वे, एग्जैक्टली पवित, पवनीत। हेलो भाई ये देखिए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। अरे मन्नी अंकल, मन्नी अंकल की आंखें, मन्नी अंकल आ गए। गाजर का हलवा भाई, ये सारा का सारा मीठा सेक्शन है पूरा, बहुत अच्छा था। बट अब हम आपको रिव्यू देंगे तब जब हम खाएंगे यार। बड़ा वैसे आप देखोगे ना, देखो डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी है, मजेदार है, लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं, मजेदार। अब हम खाएंगे ना फिर आपको रिव्यू देंगे। हेलो ये क्या है? हाँ जी मिस्टर फूडी सिंह हंटर, प्लेट भी खाएगा ना, प्लेट भी खाएगा ना। मुगलाई पराठा है, अंडा पराठा है, एक परांठा। अब हो रही है टेस्टिंग है ना, सारा मेन्यू तो दिखा दिया। बस बस भाई वो लिया साग मीट लिया, बढ़िया। बस बस हाँ साग मीट लिया, सर्दियों में तो वही खाना चाहिए ना। कि भाई ये वेज खाएगी, मैं नॉन वेज खाऊंगा। सैलेड वैलेड अपने मजे आई, यू नो फ्रूट सैलेड सब कुछ है, खाया कुछ नहीं है। बट हाँ ये बात जरूर बोलूँगा, लेकिन एक बात बोलूँगा, एंगेजमेंट पे तो ये भी नहीं खाया था जितना आराम से हो रहा है। एंगेजमेंट का तो पूछो ही नहीं। वेज नॉन वेज है यार, तो आ जाओ भाई लो। खाने के आगे तो कुछ नहीं देता तुम्हें, खाने के आगे यार सब वेस्ट है सब। बस ओहो गुरदासपुर भी चले गए हम, चिकन गुरदासपुरी। हर शादी में ना या हर फंक्शन में एक टेबल लगता आखिरी वाला, ये वाला, और इस टेबल में मज़ा आता। बट वैसे एक बात बोलूँ, जब इस टेबल का नंबर आता ना तब तक भूख मर चुकी होती है। भूख पूरी बिट चुकी होती है। रोटी दे दो यार शेफ, शेफ खाना बहुत बढ़िया है, सबने तारीफ करी है, सबसे बढ़िया है, साग मीट लग रहा मेरे को, मज़ा आ गया। तो भाई आपका भी कभी कोई फंक्शन हो ना, तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हो, तो हम साउथ दिल्ली में रहते हैं फिर भी यहाँ आए हैं, क्योंकि खाना लाजवाब है। और हमारे जो एंगेजमेंट थी ना उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे यहाँ के, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम यही करेंगे, ग्रैंड इम्पीरिया नॉर्थ बैंकेट। वैसे इनका एक बैंकेट मेरे ख्याल से मोतीनगर में भी है। ये लो कटोरी में डाल दो, ये लो। भाई मज़ा आ गया। खाना मैं वही बोल रहा हूँ कि ना खाना ऐसा होना चाहिए, इसमें डाल दो इसमें। अब ना आप डिशेस देखते जाना, यहाँ नॉन वेज है सारा, यहाँ वेज है सारा, ठीक है ना? बड़े बाप बोलूँ, दो प्लेट देख के पता लग गया होगा आपको। खाना ऐसा होना चाहिए क्यों भाई, कि सबको याद रहना चाहिए कि उसकी शादी में खाना बड़ा अच्छा खाया था। तो पवित्र तो सो रहा है, नहीं भाई आखिरी साग मीट है। तो हम खाएंगे, इसे इंजॉय करते हैं। और अगर आपके घर पे भी फंक्शन है कुछ है ना, नज़र घुमा लो, सारे लोग खाना खा रहे हैं बढ़िया से, टैग करो उस दोस्त को या उस बंदे को टैग करो जिसकी फैमिली में फंक्शन आने वाला है और लास्ट टेबल पे ऐसे रौनक लगने वाली है, उस बंदे को टैग करो। और कभी भी कोई भी फंक्शन होना फ्यूचर में,
तो एक बार जरा वीडियो देख लेना, उस बंदे को भेज दो जो बैंकेट ढूंढ रहा है अपने फंक्शन वगैरह के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया बैंकेट, इससे बढ़िया फूड आपको नॉर्थ दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है, लिख के ले लो।